हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएससी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एमएससी में कितने सब्जेक्ट होते हैं, किन किन सब्जेक्ट से आप एमएससी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एमएससी करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वीडियो है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि एमएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड देखिए, एमएससी में सब्जेक्ट की बात करें तो एमएससी में आपका फिजिक्स होता है, जूलॉजी होती है, बॉटनी होता है, बायोलॉजिकल साइंस होता है, केमिस्ट्री होती है, मैथमेटिक्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, बायोटेक्नोलॉजी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है। तो फ्रेंड्स, इतने सब्जेक्ट जो है कि आपके एमएससी में होते हैं। इसके अलावा तीन चार सब्जेक्ट और हैं जो कि एमएससी में होते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट लेकर के आप एमएससी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने भी सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, इसमें से कोई भी जो है कि एक सब्जेक्ट लेकर के आप एमएससी कर सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि बीएससी में आपने क्या लिया था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एमएससी करने जाएंगे तो वह डिपेंड करेगा कि आपने बीएससी में क्या लिया था, मतलब आपने बीएससी मैथ साइड से किया था कि बायो साइड से किया था। अगर फ्रेंड्स आपने बीएससी मैथ साइड से किया था तो आपके बीएससी में मैथ रहा होगा, फिजिक्स रही होगी, केमिस्ट्री रहा होगा। तो इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट से आप एमएससी कर सकते हैं। वहीं अगर आपने बीएससी जो है वह बायो साइड से किया है तो उसमें जो है कि आपके या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिए होंगे, या तो आप बायोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री लिए होंगे, तो वह जो भी कॉम्बिनेशन आपका होगा उसी के आधार पर जो है कि आप एमएससी कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि आपने बीएससी मैथ साइड से किया है और बाद में जो है कि आप बायो साइड से जो है कि एमएससी करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जो चीज़ें आपने बीएससी में पहले पढ़ी हैं उसी चीज़ों में से किसी भी सब्जेक्ट को उठा करके आप एमएससी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एमएससी में कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।